उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे इससे पहले, सांप्रदायिक दंगे हुए। उत्तराखंड में आपको याद होगी 2012 में रुद्रपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए ठीक चुनाव से पहले, और पुलवामा की घटना ठीक संसद के चुनाव से पहले हुई। आज राजस्थान में चुनाव है, वहां कन्हैया की हत्या हुई और दो मुस्लिम नौजवान उसमें सामने आते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से उस दिन और दो दिन तीन दिन लगातार लोग अलग अलग किस्म की बयानबाजी कर रहे थे, बढ़ चढ़ के कर रहे थे, यहां तक कि केंद्र में मंत्री रहे लोग भी उसमें बयान दे रहे थे। लेकिन आज जब उनके कन्हैया जी के जो हत्यारे हैं उनके जब संबंध गुलाबचंद कटारिया जैसे बीजेपी के नेताओं और अन्य नेताओं से आ रहे हैं, जब उनका अल्पसंख्यक जो उनका विभाग है उससे उनका पदाधिकारी पाया जा रहा है, तब से सब मौन लेके बैठ गए हैं। बीजेपी के नेता सामने आके इस पर कोई बयान नहीं दे रहे, ये दुख का विषय। जो लोग कन्हैया की हत्या के दो दिन बाद तक लगातार लोगों को भड़काने वाले बयान दे रहे थे, वो आज कहाँ हैं? जब चीजें सामने आ रही, जब बीजेपी से उनके कनेक्शन आ रहे, राजबंधन राठौर को सामने आके इस बात की सफाई देनी चाहिए। और जो कश्मीर वाली घटना है उस विषय पर मुझे ये कहना है कि जब होम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में आते हैं तो उनका एक विशेष प्रोटोकॉल रहता है, उसमें हर आम आदमी उसमें नहीं जा सकता। वो व्यक्ति अमित शाह जी की मीटिंग में दिखाई दे रहा है, और जो पत्र मिले हैं जिनमें उसके जो लेटर हेड है उसमें उसको आईटी सेल का अध्यक्ष दिखाया गया है कश्मीर का। तो ये अपने आप में साबित करता है कि और बीजेपी ने कैसे एक आतंकवादी को जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है उसको कैसे अपने आईटी सेल का अध्यक्ष बनाया, और क्या बीजेपी इन लोगों का इस्तेमाल सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए कर रही थी, ये भी जांच का विषय है। ये दोनों ही घटनाओं की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी आवश्यक होगी।